अपन एंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्सिस स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना शुरू होगा तो जो गैप जीन्स हैं वो मैटरनल इफेक्ट जीन्स और ये ग्रेडियंट बनाएंगी, और वो मैटरनल इफेक्ट जीन का ग्रेडियंट जो है वो गैप जीन का एक्सप्रेशन शुरू करवाएगा। गैप जीन्स एम्ब्रियो को ये मान लो कि ब्रॉडली फाइव सेगमेंट्स जो हैं उनके अंदर डिवाइड कर देती हैं। सबसे आगे आगे वाला पार्ट एक्रॉन, फिर हेड, थोरैक्स, एब्डोमन, और सबसे पीछे टेल्सन या टेल वाला पार्ट जो है वो सिंथेसाइज होगा। अब यहाँ पर अपन बात करें कि एक्रॉन वाला जो रीजन है, एक्रॉन वाले रीजन के लिए बाइकॉइड, हकेबिन और टेललेस ये जो प्रोटीन्स हैं ये काम में आएंगी। मतलब बाइकॉइड, हकेबिन और टेललेस जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इनके द्वारा जो जीन्स एक्सप्रेस करवाई जाएंगी वो एक्रॉन वाले पार्ट को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जहाँ पर बाइकॉइड हाई अमाउंट में है लेकिन हकेबिन और टेललेस नहीं है, वहाँ पर हेड वाला रीजन जो है वो बनना शुरू होगा। जहाँ पर बाइकॉइड लो अमाउंट में प्रेजेंट है वहाँ पर थॉरेक्स वाला रीजन बनना शुरू होगा। जहाँ पर नैनोज हाई अमाउंट में या नैनोज प्रेजेंट है जहाँ पर, वो वाला पार्ट एब्डोमन बनाना शुरू करेगा। और सबसे लास्ट में जहाँ पर हकेनबिन और टेललेस प्रेजेंट है, बाइकॉइड नहीं है, वहाँ पर टेल्सन या टेल वाला रीजन जो है वो बनना शुरू होगा। अब ये हकेबिन और टेललेस, बाइकॉइड, नैनोज, इनका जो ग्रेडियंट है या इनको बनाने वाले जो एमआरएनए हैं या जो प्रोटीन्स हैं उनका स्टोरेज ओजेनेसिस के दौरान एग के साइटोप्लाज्म में पहले ही करवा दिया जाता है। हमने एग चैम्बर पढ़ा, वहाँ पर पोस्टीरियर और एंटीरियर फॉलिकुलर सेल्स के बारे में हमने बात की थी। तो जो पोस्टीरियर और एंटीरियर फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो टॉर्सो लाइक प्रोटीन बनाती हैं जो कि पेरी विटलाइन स्पेस को क्रॉस करते हुए एग मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट टॉर्सो रिसेप्टर पर बाइंड होता है या टॉर्सो प्रोटीन पर बाइंड होता है, और मैप काइनेज पाथवे या आरटीके रिलेटेड जो सिग्नलिंग है वो शुरू हो जाती है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रिलेटेड सिग्नलिंग शुरू होती है और वो सिग्नलिंग जो है वो सिग्नलिंग एक्सप्रेस करवाती है हकेबिन और टेललेस का। और हकेबिन और टेललेस जो हैं इनको स्टोर करवा दिया जाता है पोस्टीरियर और एंटीरियर रीजन में। तो हकेबिन और टेललेस जो है इनको स्टोर करवा दिया जाता है पोस्टीरियर एंटीरियर रीजन में। कैसे करवाया जाता है बेसिकली कि पोस्टीरियर और एंटीरियर रीजन में ये जो टॉर्सो सिग्नल है ये टॉर्सो सिग्नल इनहिबिट करता है ग्रोचो या कैपिकुआ जो कि एक रिप्रेशर प्रोटीन है। हकेबिन और टेललेस के एमआरएनए एक्सप्रेशन को इनहिबिट करती है एग के साइटोप्लाज्म में नर्स सेल्स के द्वारा। हकेबिन, टेललेस और ग्रोचो या कैपिकुआ जो है उसके एमआरएनए का होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया जाता है, लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर सेल्स जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनके द्वारा टॉर्सो सिग्नल मिलने के कारण जो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन होता है एग का वहाँ पर ग्रोचो या कैपिकुआ का इनहिबिशन हो जाता है। और ग्रोचो या कैपिकुआ का इनहिबिशन होने के कारण एंटीरियर और पोस्टीरियर जो एंड है वहाँ पर हकेबिन और टेललेस का एक्सप्रेशन हो जाता है, जबकि बाकी पूरा जो एग का साइटोप्लाज्म है वहाँ पर ग्रोचो या कैपिकुआ जो है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में हकेबिन और टेललेस का एक्सप्रेशन होगा। तो ये हकेबिन और टेललेस जो है ये एक्रॉन और हेड में डिफरेंशिएशन करवाने के लिए काम में आएंगी। अच्छा, इनके अलावा एग के साइटोप्लाज्म में यानी कि ऊ साइट जो है अनफर्टिलाइज्ड एग या ऊ साइट जो है ऊ साइट में फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ एमआरएनए का डिपोजिशन भी करवाया जाता है। तो वो एमआरएनए जो है हंचबैक और कॉडल जो है ये एग में एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ
होमोजिनसली इनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इनके एमआरएनए का। हंचबैक प्रोटीन और कॉडल प्रोटीन को बनाने वाले जो एमआरएनए हैं उनका होमोजिनस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि बाइकॉइड और नैनोज प्रोटीन को बनाने वाले एमआरएनए को एंटीरियर या पोस्टीरियर जो मेम्ब्रेन है एग की वहाँ पर साइटोस्केलेटन के द्वारा बांध कर रखा जाता है, तो वो एमआरएनए स्पेसिफिकली एंटीरियर या पोस्टीरियर रीजन में ही प्रेजेंट है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो अर्ली फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है अब प्रोटीन का जो ग्रेडियंट बनेगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अर्ली फर्टिलाइजेशन के दौरान अब क्योंकि एग एक्टिवेशन होते ही बाइकॉइड और नैनोज जो है उनका एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है एमआरएनए का, तो बाइकॉइड प्रोटीन और नैनोज प्रोटीन का एक ग्रेडियंट बन जाता है एंटीरियर से पोस्टीरियर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर। इसी तरह से बाइकॉइड प्रोटीन जो है वो कॉडल एमआरएनए के एक्सप्रेशन को रोकती है और नैनोज जो है वो नैनोज प्यूमिलो के साथ बाउंड होकर, प्यूमिलो जो है वो हंचबैक के एमआरएनए पर बाउंड रहती है प्रोटीन और उसके एक्सप्रेशन को प्रमोट करती है, लेकिन प्यूमिलो के साथ जब नैनोज बाइंड हो जाता है तो हंचबैक एमआरएनए का ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाता है। तो पोस्टीरियर रीजन में नैनोज जो है वो हंचबैक एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होने देगी, एंटीरियर रीजन में बाइकॉइड कॉडल एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होने देगी, तो इससे हंचबैक और कॉडल प्रोटीन का जो है एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग में बन जाता है। तो एंटीरियर रीजन की तरफ हंचबैक ज़्यादा और पोस्टीरियर रीजन की तरफ हंचबैक कम। इसका मतलब अब जब क्लीवेज होगा सेल्स बनेंगी तो एंटीरियर रीजन की तरफ जो सेल्स होंगी जो बिल्कुल एंटीरियर एक्सट्रीम पर होंगी उन सेल्स में बाइकॉइड हकेनबिन और टेललेस ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी। उससे थोड़ा सा अगर आगे मैं पोस्टीरियर रीजन की तरफ चलूँगा तो उसमें बाइकॉइड हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगी, थोड़ा सा और आगे चलूँगा तो बाइकॉइड लो अमाउंट में प्रेजेंट होगी। अच्छा मैं अगर एंटीरियर रीजन की तरफ बात करता हूँ तो हंचबैक जो है वो एंटीरियर रीजन में ज़्यादा होगी, पोस्टीरियर रीजन में कॉडल जो है वो ज़्यादा होगी। पीछे की तरफ हकेनबिन और टेललेस जो है और नैनोज है ये कॉडल का एक हाई टू लो ग्रेडियंट बना देती हैं। तो इस तरह से पहले और बाद में फर्टिलाइजेशन के पहले और बाद में प्रोटीन या एमआरएनए का जो ग्रेडियंट है वो पोस्टीरियर सॉरी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस स्पेसिफिकेशन करवा देता है। हमने यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स की बात की है ये सारी मैटरनल इफेक्ट प्रोटीन जो है उनके बारे में हमने बात की है। हकेनबिन टेललेस एम्ब्रियोनिक सेल्स में भी हैं लेकिन अभी एम्ब्रियोनिक जीन्स एक्सप्रेस नहीं हुई है, अभी मैटरनली जो कोडेड जो एमआरएनए डिपॉजिट करवाए गए थे उनका ही एक्सप्रेशन शुरू हुआ है। जायगोटिक जीन का एक्सप्रेशन जो है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के आसपास शुरू एम्ब्रियोनिक जीन्स का एक्सप्रेशन मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के आसपास शुरू होता है। यहाँ पर हमें इन चीज़ों को याद रखना है कि अगर मैं हकेनबिन टेललेस को म्यूटेट करवा दूं तो क्या होगा, तो एक्रॉन और टेलसन नहीं बनेगा। अगर मैं टॉर्सो सिग्नल या टॉर्सो रिसेप्टर वाली जीन को म्यूटेट करवा देता हूं तो क्या होगा, तो टॉर्सो सिग्नल या टॉर्सो प्रोटीन वाली जीन को अगर म्यूटेट करवा दिया जाएगा तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, एक्रॉन और टेलसन वाला जो पार्ट है वो नहीं बनेगा। अगर मैं बाइकॉइड को म्यूटेट करवा देता हूँ तो क्या होगा, बाइकॉइड डेफिशिएंट होने पर क्या होगा, तो बाइकॉइड डेफिशिएंट होने पर क्या होगा, दोनों तरफ टेलसन बन जाएगा और बीच में एब्डोमन यानी कि बाइकॉइड नेगेटिव जो है उसके अंदर दोनों तरफ टेलसन और बीच में एब्डोमन वाला पार्ट बनेगा। अच्छा अगर मैं बाइकॉइड म्यूटेंट जो है बाइकॉइड नेगेटिव जो है उसके अंदर एंटीरियर रीजन में बाइकॉइड प्रोटीन बाहर से इंजेक्ट करवा दूं एंटीरियर साइड में, बाइकॉइड नेगेटिव या बाइकॉइड म्यूटेंट है एम्ब्रियो उसके अंदर मैं एंटीरियर रीजन में अगर बाइकॉइड प्रोटीन को इंजेक्ट करा दूं तो क्या होगा, तो नॉर्मल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। फिर अगर बाइकॉइड डेफिशिएंट जो जायगोट है उसके अंदर बीच में मैं अगर बाइकॉइड को इंसर्ट करवा दूं तो क्या होगा, तो अगर बीच में मैं बाइकॉइड प्रोटीन डाल दूंगा तो हाई टू लो ग्रेडियंट जो बनेगा वो बीच में से इस तरफ बनेगा, दोनों साइड में हाई जो अमाउंट है वो यहाँ रहेगी और दोनों तरफ
लो अमाउंट हो जाएगी बाइकॉइड की, तो उस कंडीशन में बाइकॉइड जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर हेड रीजन बनेगा, फिर थोरैक्स वाला रीजन बनेगा, और यहाँ पर क्योंकि बाइकॉइड नहीं है तो हैकनबिन और टेललेस जो है वो टेल्सन बना देंगे, यानी कि टेल्सन थोरैक्स हेड, और फिर अगर इधर साइड में जाएंगे तो वापस से थोरैक्स एब्डोमन और टेल्सन, इस तरह से रीजन बन जाएंगे। अगर मैं किसी नॉर्मल एम्ब्रियो के अंदर पोस्टीरियर रीजन पर भी बाइकॉइड इंसर्ट करा दूं तो क्या होगा, तो नैनोज को अपना काम करने नहीं देगा ये बाइकॉइड जो है, और उस कंडीशन में एब्डोमन नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पर एक्रॉन हेड थोरैक्स। हेड और एक्रॉन इस तरह का एम्ब्रियो जो है वो बन जाएगा। अगर नैनोज म्यूटेंट होगा तो, या नैनोज अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, तो नैनोज अगर नेगेटिव होगा तो एक्रॉन हेड थोरैक्स और टेल्सन ये वाले रीजन बन जाएंगे। तो इन पर म्यूटेंस म्यूटेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं कि अगर बाइकॉइड नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, बाइकॉइड नेगेटिव में आगे बाइकॉइड डाल दिया तो क्या होगा, बीच में डाल दिया तो क्या होगा, पीछे डाल दिया तो क्या होगा, टॉर्सो म्यूटेंट हुआ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमारे इस तरह से। उसके बाद ये जो मैटरनल इफेक्ट जीन है ये एक्टिवेट करवा देती हैं नेक्स्ट जो जीन को, यानी कि एम्ब्रियोनिक जीन को, और एम्ब्रियोनिक जीन में सबसे पहले एक्सप्रेस होना शुरू होती हैं सेगमेंटेशन जीन, सेगमेंटेशन जीन में सबसे पहले एक्सप्रेस होती हैं गैप जीन्स, तो गैप जीन जो है ये हैं क्रिपल, रिप, हंचबैक, जायंट, टेललेस, हकेबिन, बटन हेड, एम्प्टी स्पैरकल्स, ऑर्थोडेंटिकल, ये सारी गैप जीन्स हैं। गैप जीन्स जो हैं वो ब्रॉड गैप या ब्रॉड सेगमेंट बना देते हैं, यही पांच एक्रॉन हेड थोरैक्स एब्डोमन इन पांच ब्रॉड सेगमेंट्स में एम्ब्रियो को जो है डिवाइड कर देती है। इनमें म्यूटेशन होने से पूरा का पूरा कोई पार्ट जो है वो म्यूटेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गैप जीन्स में से एब्डोमन वाले पार्ट को बनाने वाली अगर गैप जीन को म्यूटेट कर दिया गया तो एब्डोमन वाला पार्ट जो है वो नहीं बनेगा। इसी तरह से अगर थोरैक्स को बनाने वाला पार्ट जो है गैप जीन का, अगर उसको म्यूटेट करवा दिया गया तो थोरैक्स वाला रीजन जो है वो पूरा पूरा गायब हो जाएगा या एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगा। पेयर रूल जीन्स के बारे में बात करें, पेयर रूल जीन जो है ये पेयर रूल जीन का एक्सप्रेशन बेसिकली पैरा सेगमेंट्स बनाता है, और अल्टरनेटिवली जो पैरा सेगमेंट्स हैं उनके डेवलपमेंट को ये रेगुलेट करती हैं। पेयर रूल जीन्स में दो तरह की हैं, प्राइमरी पेयर रूल जीन और सेकेंडरी पेयर रूल जीन। प्राइमरी पेयर रूल जीन में फॉर एग्जांपल हेयरी, इवन स्किप्ड, रूंट, इसी तरह से सेकेंडरी पेयर रूल जीन में फोसिटेराजू, ऑड पेयर्ड, ऑड स्किप्ड, स्लोपी पेयर्ड या पेयर्ड, ये सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स हैं। ये पेयर रूल जीन्स में अगर म्यूटेशन हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर इवन स्किप्ड में म्यूटेशन हुआ तो क्या होगा, तो जो इवन पैरा सेगमेंट्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगे। फुसिटेराजू में अगर म्यूटेशन हुआ तो जो इवन सेगमेंट्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगे। ऑड पेयर्ड, स्लोपी पेयर्ड, ऑड स्किप्ड, ऑड स्किप में म्यूटेशन हुआ तो ऑड जो सेगमेंट्स हैं ईच ऑड सेगमेंट्स विल बी स्किप्ड। अच्छा, यहाँ पर सेगमेंट पोलरिटी जीन जो है ये हर एक जो सेगमेंट हैं पैरा सेगमेंट्स उनमें एंटीरियर पोस्टीरियर पोलरिटी जो है उसको जनरेट करवा रही हैं। यहाँ पर ये सेगमेंटेशन मैंने शो किया है कि अच्छा, ये सेगमेंट पोलरिटी जीन एक्टिव हो जाएंगी तो ये साथ साथ इन्हीं के साथ एक्टिवेट हो जाती हैं ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, जिनके बारे में अभी अपन बात करते हैं थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पर एक बार सेगमेंटेशन मैंने शो किया है, ये जो एम्ब्रियो है उसमें सेगमेंटेशन शो किया है, ये हेड वाला पार्ट है जिसमें मैंडिबल, मैक्सिली, लेबियम वाले पार्ट बनाने वाला रीजन है, T1, T2, 3, 3, ये प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, और ये तीन सेगमेंट हैं थोरैक्स वाले रीजन के। ये जो रीजन है A1, A2, A3, A8 तक, ये एब्डोमन वाले पार्ट के सेगमेंट जो हैं उनको शो किया गया है। तो ये तो सेगमेंट्स हैं। अच्छा, इन सेगमेंट्स को ही यहाँ पर मैंने, ये तो सेगमेंट हैं, इन सेगमेंट को ही डिवाइड किया हुआ यहाँ पर अपन ने ये पैरा सेगमेंट्स, ये जो नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 7, ये 14 तक लिखे हुए, ये पैरा सेगमेंट्स हैं। तो इन पैरा सेगमेंट्स में एक खास बात देखने को मिल रही है कि ये तो मैंने लिखा है पी, यानी कि
एक नंबर जो पैरा सेगमेंट है उसमें इस मैग्स एम ए वाले सेगमेंट का पोस्टीरियर और एम एक्स वाले सेगमेंट का एंटीरियर रीजन जो है वो आ रहा है। इसी तरह से दो नंबर वाला जो पैरा सेगमेंट है उसके अंदर एम एक्स वाले का पोस्टीरियर और एल बी वाले का एंटीरियर। इसी तरह से अगर मैं इस फोर वाले के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर टी वन का पोस्टीरियर और टी टू का एंटीरियर, यानी कि हर एक पैरा सेगमेंट में प्रीसीडिंग सेगमेंट का पोस्टीरियर और बाद वाले सेगमेंट का एंटीरियर रीजन जो है वो आ रहा है। तो ये इसलिए हमने लिखा है कि जो पेयर रूल जीन होती है वो फॉर एग्जांपल FTS-Z का एक्सप्रेशन जो है वो पैरा सेगमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, यानी कि जो इवन पैरा सेगमेंट्स हैं उनकी सेल्स में FTZ यानी कि फुसी टेराजू जो पेयर रूल जीन है उसका एक्सप्रेशन देखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फुसी टेराजू जो है ये इवन सेगमेंट्स में जो पोलरिटी डेवलप करवाने वाली जीन है, सेगमेंट पोलरिटी वाली जीन, उनको एक्सप्रेस करवाती है। ये फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये T3 और A1 से मिलकर बना हुआ पैरा सेगमेंट 6 है, तो ये फुसी टेराजू का जो एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर वो इस पैरा सेगमेंट के आगे वाले रीजन में तो T3 के पोस्टीरियर पोलरिटी वाली सेगमेंट पोलरिटी को जीन को एक्सप्रेस करवाएगा, साथ ही साथ A1 के एंटीरियर रीजन की सेगमेंट पोलरिटी जीन को एक्सप्रेस करवाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये सेगमेंट और पैरा सेगमेंटेशन जो है वो किया गया है। अब हम बात करते हैं कि सेगमेंट पोलरिटी जीन्स और जो आगे अपनी ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स हैं वो किस तरह से रेगुलेशन करती हैं।